टैबलेट पीसी की कतार में एक नया नाम है मैप माई इंडिया कारपैट का। तो जानते हैं क्या है इसके फायदे। टैबलेट पीसी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में नेविगेशन डिवाइस बनाने वाली कंपनी मैप माई इंडिया ने भी अपना हाथ आजमाया। कंपनी ने अपने फर्स्ट जनरेशन टैबलेट पीसी को नाम दिया है कारपैट। नाम से ही पता चलता है कि इस पैड में वो सारे फीचर्स मौजूद हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाने, यानी नेविगेशन का काम करेंगे। मसलन वॉइस गाइडेंस, ऑल इंडिया मैप और हाउस लेवल मैप फॉर 18 सिटीज। मैप माई इंडिया का दावा है कि ये आपके कार ड्राइविंग के तजुर्बे को बदल कर रख देगा। कार पैड में नेविगेशन के साथ साथ आप वो हर काम कर सकते हैं जो एक टैबलेट पीसी पर भी किया जा सकता है। ये प्रोडक्ट 7 इंच टैबलेट फोन है विद 3G नेविगेशन और कार किट। इसमें जो हमने नेविगेशन लॉन्च किया है, इसकी USP है कि ये फुल 3D नेविगेशन है। इसमें आपके हाउस लेवल की डिटेल्स आते हैं, मतलब आप हर घर सर्च कर सकते हो और आप अपने सारे फ्रेंड्स को आसपास देख सकते हो, उनसे मैसेज कर सकते हो, उनका लोकेशन मैप पे जान करके वहाँ तक जा सकते हो। चलिए सबसे पहले उन फीचर्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस कार पैड में अपनी जगह बनाई है, और इसमें सबसे पहली पोजीशन मिली है 3D लैंडमार्क्स को, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड इट्स वेरी क्लियर, विच इज अ गुड फीचर। पैड के साथ बंडल कार किट है, वो भी हेडरेस्ट और विंडशील्ड के साथ। इस पैड से आप कॉल, मैसेज, वेब ब्राउज और सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, ये इतना फास्ट नहीं है, लेकिन कॉल और मैसेज करने के फीचर ने हमें इम्प्रेस किया। एंड क्वालिटी ऑफ स्पीकर फॉर कॉल इज ऑल्सो गुड। जैसे यहाँ हम दोनों कारपैट और फोन के जरिए बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, सो यू कैन हियर मी? हेलो हेलो, या वेर आर यू? कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ, इनबिल्ट 3G और वाईफाई है। एज एन एंटरटेनमेंट डिवाइस इसमें आप FM रेडियो, म्यूजिक का मजा भी ले सकते हैं। हालांकि स्पीकर पर ऑडियो क्वालिटी हमें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई। पैड में 7 आवर का टॉक टाइम और 420 आवर का स्टैंड बाय टाइम है, विच इज प्रिटी गुड इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप। 7 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन में 800x480 का रेजोल्यूशन है। पैड के साइड्स पर सिम कार्ड स्लॉट, मिनी USB, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है। माइक्रो SD कार्ड के जरिए मेमोरी को 32 GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। चलिए अब उन फीचर्स पर भी एक नज़र डाल लेते हैं जहां कंपनी थोड़ी और मेहनत करके इसे और बेहतर बना सकती थी। इतने सारे फीचर्स के साथ टच स्क्रीन इंटरफेस अच्छा तो है, लेकिन इतने सारे फिंगरप्रिंट्स के निशान देखकर तो एक डस्टर खरीदना इज अ मस्ट थिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड तो है, लेकिन 2.2 यानी लेटेस्ट 2.3 वर्जन से एक स्तर नीचे। कंपनी ने गीगाहर्ट्ज के जमाने में मेगाहर्ट्ज के प्रोसेसर से ही काम चलाया है। कारपैड में है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 600 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा तो है, लेकिन इकलौता, वो भी सिर्फ 2 मेगापिक्सल का। मैप माई इंडिया के इस कारपैड के लिए आपको चुकाने होंगे लगभग 23,000 रुपए, यानी पैड विद फुली लोडेड फीचर्स एंड हेवी प्राइस ऑल्सो।